हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट बाय 50 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 12 फीट का है और जो ब्रेथ है हमारा वो 50 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में हमारा रोड आएगा और वेंटिलेशन हमको सिर्फ फ्रंट से मिलेगा और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज आएंगे, तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है 12 फीट के साइड से, तो 3 फीट के डोर से हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर। तो ये इतना एरिया हमारा हॉल का है। हॉल का जो साइज है वो 10 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 10 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 12 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए आप फ्रंट में यहाँ पे 4 फीट से 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा ये फ्रंट साइड ओपन होगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। आप हॉल में यहाँ पे स्ट्रेट या एल शेप में या फिर ऐसे सी शेप में सोफा लगा सकते हैं, सामने वाली वॉल पे टीवी यूनिट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप फ्लावर पॉट भी रख सकते हैं। हॉल से हम आगे जाए तो ये 3 फीट का पैसेज है। पैसेज के आगे हमारा यह स्टेयर्स दिए हैं सीढ़ियां ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से टर्न होकर हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो स्टेयर्स की जो नीचे की जगह आप इसे स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। इससे हम आगे जाए तो ये 3 फीट का पैसेज है। पैसेज के अंदर हमारा ये डोर दिया है 2 फीट 6 इंच का। इससे हम एंटर करते हैं बाथरूम के अंदर। तो ये इतना एरिया हमारा बाथरूम का है। बाथरूम का जो साइज है वो 7 फीट इंटू 3 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 3 फीट का है। बाथरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो बेसिकली हमारा OTS में ओपन होता है। तो OTS जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है। ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बाथरूम के अंदर। इससे हम बाहर आए तो पैसेज एरिया में आगे एक और डोर दिया ये 2 फीट 6 इंच का। इससे हम एंटर करते हैं WC एरिया, यानी टॉयलेट एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 4 फीट इंटू 3 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 4 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 3 फीट का है। WC के अंदर यानी टॉयलेट एरिया के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। ये विंडो बेसिकली हमारा, ये भी विंडो हमारा ओपन होता है OTS के अंदर, तो ओपन टू स्काई एरिया के अंदर तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इससे हम आगे जाए तो पैसेज में यहाँ पे आगे हमारा किचन एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 7 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 10 फीट का है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये विंडो बेसिकली हमारा OTS में ओपन होता है। ये हमारा सेकेंड OTS है। तो ये इसका जो विड्थ है वो 2 फीट 6 इंच का है। तो ये ऊपर तक ओपन होगा ये एरिया, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। और अगर आपका ये ग्राउंड फ्लोर है तो आप इसे यूज कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में इस एरिया को। तो इस एरिया में एंटर करने के लिए यहाँ पे 2 फीट 6 इंच का डोर दिया है। इससे आप इस एरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। आप इसे वॉश एरिया की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आपको जिस यूज के लिए चाहिए आप इसे यूज कर सकते हैं। किचन के अंदर आप यहाँ पे स्ट्रेट या ऐसे एल शेप में प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं। आप यहाँ पे गैस रख सकते हैं, वॉश बेसिन यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको फ्रिज रखना है तो आप यहाँ पे फ्रिज रख लीजिए या फिर आप यहाँ पे भी फ्रिज रख सकते हैं। किचन से हम आगे जाए तो यहाँ पे 3 फीट का डोर दिया है। इससे हम एंटर करते हैं बेडरूम के अंदर। तो ये इतना एरिया हमारा बेडरूम का है। बेडरूम का जो साइज है वो 10 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 10 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 11 फीट का है। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ बैक में 5 फीट से 6 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये विंडो भी बेसिकली हमारा ओपन होता है OTS के अंदर। तो ये जो लास्ट में हमारा 2 फीट 6 इंच का विड्थ का जो OTS है ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। तो इसका जो OTS का साइज है वो 10 फीट 6 इंच इंटू 2 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 10 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 2 फीट 6 इंच का है।
तो ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर, और आप इसे ग्राउंड फ्लोर में इस एरिया को यूज कर सकते हैं। तो इस एरिया के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे ये डोर दिया है, तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंच के डोर से हम इस एरिया के अंदर एंटर कर लेंगे। तो आप इसे ग्राउंड फ्लोर में यूज कर सकते हैं, अगर आप इसे बालकनी की तरह यूज कर सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, या फिर आपको जो यूज करना है आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। गाइस अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।